नमस्कार, मैं ईशान शुक्ला कक्षा 10 का छात्र डॉक्टर एलपी लाल मेमोरियल कॉलेज व पोएट्री क्लब द्वारा आयोजित कविता वाचन प्रतियोगिता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के रचित रश्मि रथी के तृतीय छंद से पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन खोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पल्लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय मगर दो आधा दो यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे असना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन मान मुझे यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संहार झूलता है मुझमें बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ा क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तू बांध अनंत गगन सुने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं माना तूने मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र विकर बरसेगी भू पर वाह पकर फन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुँह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे वायस संघार सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर नाघाते थे धृतराष्ट्र विदिन सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुद निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय दोनों पुकारते थे जय जय। आशा है कि मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।